यहाँ पर भगत सिंह सभा स्थल के सामने यहाँ पर ये दीवार गिर चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगत सिंह सभा स्थल के पास में यहाँ पर जो सामने की तरफ ये दीवार जो तूफान की वजह से गिर गई। इसके जस्ट पास में बहुत बड़ा जो सालों से नाला है, उस नाले का पानी धीरे धीरे दीवार में रिसता गया और आखिर ये दीवार कमजोर होकर गिर गई। आप देख सकते हैं अभी भी ये यहाँ पर ये दीवार के पास में बहुत बड़ा गंदा नाला जो सालों से है, और यहाँ पर ये पानी धीरे धीरे इस दीवार के अंदर रिसता है और रिसने की वजह से दीवारें कमजोर होकर गिर जाती है। हाँ, तो ये किस्तुरा राम जी घासी है और उनके घर की ये दीवार गिर गई। तो दीवार नालों गिरी है, नाले से गिरी है। ये नाले का पानी जो है इसके दीवार में धीरे धीरे रिसता गया। और तो आपने प्रशासन को, नगर परिषद को वगैरह को, दो बार खड़ा हुआ है। तो सिविल लाइन नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर परिषद की लापरवाही की वजह से इनका कहना है कि उनके जो है घर की दीवार गिर गई। इन्होंने पहले सूचित किया था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये यहाँ इसके दीवार जस्ट इसके पास में यहाँ पर ये बहुत बड़ा गंदा नाला जो पूरे शहर का गंदा पानी है वो इस नाले से जाता है, और ये कई सालों से यहाँ पर ये नाला बना हुआ है और धीरे धीरे ये पानी रिसता गया और ये दीवार गिर गई। आगे दुकानों को भी, और आगे ये जो और भी जो दुकानें बनी हुई है उसके भी जो है गिरने की आशंका है। तो उनके अंदर भी दरारें आ चुकी है। तो इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ समाधान निकाला जाए और सिविल लाइन डलो। हाँ, इसको पैक कर दिया जाए ताकि पानी करो। आपका कहना मतलब ये दीवार के पास से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट की जाए। यहाँ पर ये एक गटर है वो ढह गया है और ये कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नेहरू कॉलोनी और ये झांसी कॉलोनी और दूसरे जो शहर के निचले इलाके हैं वहाँ जल भराव की स्थिति होने की वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, और शहर के अन्य इलाकों में भी इस प्रकार के गटर ढह गए हैं, इसलिए सावधानी बरते हो गई है। तो नगर परिषद का कोई कर्मचारी, हमारे पास यहाँ कोई देख रेख होती नहीं है। तो प्रशासन का कोई व्यक्ति आपके इस कॉलोनी में विजिट नहीं की? कोई विजिट नहीं किया है। तीन बार इस गटर को मैं बना चुका हूँ, पिछले तीन साल से मैं परेशान हूँ। ये गटर है किसका? ये गटर, ये मकान मेरा ही है और पिछले तीन साल से परेशान हूँ। और यहाँ के अगर मैं अंदर भी लेता ना तो अंदर सिविल लाइन लगी हुई है, ये मतलब क्या पाइप लाइन लगी हुई है और इसके नीचे तो यहाँ पर जो है यहाँ पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए आपने मजबूरी में ये गटर बनाए। कोई व्यवस्था नहीं है, सिविल लाइन है। तो आप देख सकते हैं ये 20 सालों से आबाद कॉलोनी है और यहाँ इस कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि यहाँ पर गंदे पानी की निकासी का कोई समुचित साधन नहीं है और उन्होंने अपने खर्चे से जो ये गटर बनाया है वो गटर भी ढह गया है। ना तो नाली है ना ना सीधी लाइन है यहाँ पे। तो ये स्थिति है, कच्ची बस्ती में कौन बनाता है, बड़ी बड़ी बस्तियों में अदर कास्ट बनाते हैं। जबकि एमएलए यहाँ पे रहते हैं, जिला कलेक्टर भी अभी यहीं पे निवास है उनका। हाँ, उनकी ओर से भी हमारे यहाँ प्रशासन की ओर से भी कोई किसी तरह की देख रेख नहीं है। और पानी का जल भराव होते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि यहाँ तो सीवेज लाइन की एक तो की जाए और जो पानी यहाँ पे जो है देखो इस तरह डूबा हुआ है, ये गंदा नाला पास में, इसका निकास किया जाए ताकि हमको भाई अच्छी सुविधा मिल सके, लोगों को नुकसान नहीं हुआ किसी लोगों का। को नुकसान है, ये सब मेरी स्थिति में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नाली है वो नाली सही ढंग से नहीं बने होने के कारण यहाँ पर ये गाड़ी फंस गई थी और इस गाड़ी के पार से सो रहे और यहाँ पर इस गाड़ी को फंसी हुई गाड़ी को निकाल के बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोगों ने निकाला है। सुमित्रा जी खुद आई थी, सुमित्रा जी मैडम आए थे, हाथों हाथ करवा थे अभी। अभी तक तो एक डेढ़ घंटा हो गया हमको ये खड़ा। तो यहाँ पर ये जो नाली बनी हुई है, इस नाली के अंदर जो लगने वाला जो आसलेट है वो दो साल से ऐसे हो रहा है। दो साल से आप देख सकते हैं नाली की हालत, घर का पानी बाहर नहीं आता। साहब ये पाइप डाल रहे थे लोग आए गए, ये पाइप क्यों डाल रहे हो? पाइप का किसने मना किया? गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं, जाने दो, हमको करने दो। नहीं तो करने दो, नहीं तो कर देते, नहीं करेंगे शासन विभाग की पाइप। यहाँ
अब क्या जीप आई थी सुमित्रा जी वो मैडम आई थी स्वास्थ्य अधिकारी सफाई अधिकारी आए थे आने के बावजूद भी आपका कोई समाधान नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के क्या हालात हैं। ये नूरानी मोहल्ला और सांची कॉलोनी के बीच में ये जो रोड है इस रोड पर नाली तो बनी हुई है लेकिन नाली की देखो ये इस प्रकार से बनी हुई है और जिस वजह से यहाँ पर वाहन के आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं ये बीपीएल कॉलोनी के पास में यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है। आप देख सकते हैं ये विधायक निवास मदन जी प्रजापत के घर की तरफ जाने वाला रोड और इस रोड पर भी जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं।